नमस्कार, द फिनोलॉजी बेस्ट म्यूचुअल फंड लिस्ट फॉर 2024 फाइनली आ गई है। दो महीनों से ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि ये लिस्ट कब आएगी। लेकिन देखो, अब फिनोलॉजी ना सालों से सेबी रजिस्टर्ड है, तो हम पे जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। मुझे पता है कि शायद ये इंडिया की सबसे अवेटेड और सबसे रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड लिस्ट में से एक है, तो उस रिस्पेक्ट का हमको ध्यान भी रखना है, उस ब्रांड इमेज को बना के भी रखना है, और एज अ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी ड्यू प्रोसेस भी हमें फॉलो करना है। तो इस बार ना वी हैव चेंज्ड इट अ लिटिल कि कैसे हमारा वो प्रोसेस क्या है, कैसे हम एक एक फंड तक पहुंचे, हजारों फंड्स में से कैसे ये फंड्स हम आप तक लेके आए, हर फंड के बाद ना उस फंड को पिक करने का प्रोसेस भी, हमारा लॉजिक क्या था, हम क्या सोच रहे थे, टीम किस रिसर्च से गुजरी, वो भी मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करूंगा, ताकि जब आप डिसाइड कर रहे हो ना कि इनका लॉजिक सही है या नहीं है, ये फंड अच्छा है या बुरा है, तो आपके पास ज्यादा थिंकिंग पॉइंट्स हो, आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको अपने परिवार के लिए। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने परिवार के लिए, खुद के गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट एक डिसीजन ले रहे हो। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा लॉजिक, ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग आप तक रखना चाहता था, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो है इसमें सिर्फ सच्चाई है। कोई भी फंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हमारे डिसीजंस को या कौन इस लिस्ट में आ रहा है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये लिस्ट 100% ऑन मेरिट है, जो हमें सही लगता है। अब हम गलत हो सकते हैं, पास्ट में भी हम गलत हुए हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड ये लिस्ट किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अब फाइनली शुरू करते हैं फंड्स को डिस्कस करना। लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड हमने इस साल कौन सा पिक किया है? अब हम आते हैं थॉट प्रोसेस पे कि लार्ज कैप के लिए जब हम रिसर्च शुरू कर रहे थे तो क्या थॉट प्रोसेस था। हमें इस कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे अलाइन होना था मेंटली। अब कोई अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका पहला मतलब है कि मोस्ट केसेस में वो सेफ्टी देख रहा है, उसे ब्लू चिप्स की सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद है। यानी जब हम एज अ रिसर्च हाउस रिसर्च कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा फंड चुने जो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। हमको इस कैटेगरी में हीरो नहीं बनना है, हमको इस कैटेगरी में ये नहीं देखना है कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में हो सकता है वो ज्यादा रिस्क भी ले रहा हो। और अगर किसी को रिटर्न ही ज्यादा चाहिए, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड की तरफ जाए, जो हाई रिटर्न चाहता है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आएगा ही क्यों, वो यहां इन्वेस्ट करेगा ही क्यों, हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स नहीं चाहिए। और इसीलिए इस कैटेगरी में ना हमने हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमने सेफ्टी और लो कॉस्ट की तरफ ध्यान दिया है। तो जब सेफ्टी की बात आ रही थी तो अगला सवाल आया कि ज्यादा सेफ क्या रहेगा, एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा एक्टिव फंड जो एक्टिवली रिस्क को रिड्यूस करे, रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज करे, या हम बस इंडेक्स को ट्रैक करें और हम एक पैसिव फंड को इस कैटेगरी में लें, कौन सा अप्रोच लेना ज्यादा बेटर रहेगा। पिछले दो सालों से हम इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे थे, तो ये डायलेमा इस साल भी था। अब इसमें डेटा ने हमारी मदद की, तो डेटा ये कहता है, तो हमने इंडेक्स का रिटर्न लिया और हमने सारे एक्टिव फंड्स अच्छे बुरे का रिटर्न्स को एवरेज किया और 5 साल के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमने कंपेयर किए। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स क्या होते हैं इस पे भी मैं जल्दी से एक वीडियो बना दूंगा। फिर हमने सोचा चलो रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, तो रोलिंग रिटर्न्स में हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिली जो ये कहती है कि 66% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स 75% ऑफ द टाइम्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। फिर से सुनिए, 66% एक्टिव फंड्स यानी ज्यादातर एक्टिव फंड्स 75% ऑफ द टाइम्स यानी ज्यादातर समय इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स लें या रोलिंग रिटर्न्स लें, एक्टिव फंड्स की तरफ जाना इस कैटेगरी में सेंस नहीं बना रहा था। इसलिए फिर से हमें इस बार हमने डिसाइड किया कि वील गो विथ एन इंडेक्स फंड। अब जब इंडेक्स फंड हमने चुना तो एक अगला सवाल आया, कौन सा इंडेक्स लें, सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स हैं, निफ्टी जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, या निफ्टी 100 जिसमें 100 स्टॉक्स हैं। क्योंकि हम तो सेफ्टी के लिए जा रहे हैं ना, तो सेफ्टी आती है ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से। सारे फिनेंस की दुनिया हमें यह कह रही है कि ज्यादा स्टॉक्स मतलब ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। और यहां पे रे डैलियो की एसेट कोरिलेशन एंड रिस्क के जो उन्होंने ग्राफ मैप किया है कि कैसे जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हो
तो आपका रिस्क कम होता है। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है। तो अगर 20 आपने वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स लिए हैं अलग अलग सेक्टर से, तो उसके बाद जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बढ़ते हैं लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है, उससे रिस्क मीनिंगफुल वे में कम होना बंद हो जाता है। यानी 20 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होना ना के बराबर हो जाता है। तो जब ये थ्योरी हमारे सामने थी तो समझ में आया कि 50 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स वाले इंडेक्स से बेटर है कि हम सेंसेक्स की तरफ जाते हैं जिसमें कि 30 स्टॉक्स ही हैं। अगर 20 के बाद डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना के बराबर होता है तो इसमें तो 30 स्टॉक्स हैं। वो थ्योरी अगर थोड़ी गलत भी हो रही है तो भी इसमें 50% का सेफ्टी ऑफ मार्जिन एक्स्ट्रा है क्योंकि 20 के बदले इसमें 30 स्टॉक्स हैं, इसलिए हमने इंडेक्स चुना सेंसेक्स 30। अब जब हमने इंडेक्स चुन लिया तो अगला सवाल हमारे सामने आया, क्या रूट हम लोगों को सजेस्ट करें? क्या हम लोगों को बोलें कि इंडेक्स फंड की तरफ जाओ या हम उन्हें कहें कि ETF की तरफ जाओ, ज्यादा बेटर क्या है? क्योंकि एक दुविधा थी, जब हम सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सपेंस रेशियो, ETF का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से कम दिखाई देता है। लेकिन ETF और इंडेक्स फंड में एक मेजर फर्क है। ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो लाइक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड को आप AMC से भी खरीद सकते हो, किसी ब्रोकर से भी खरीद सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से भी खरीद सकते हो। जिस केस में जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो इंडेक्स फंड में हमें दिखता है, उसके ऊपर हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी। अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीद रहे हो सीधा AMC से या किसी RIA से, तो आपको एक्सपेंस रेशियो के ऊपर इन मोस्ट केसेस कोई कॉस्ट नहीं देनी। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट से ETF खरीद रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो तो कम है लेकिन उसके ऊपर आप पे ब्रोकरेज लगेगा और ब्रोकरेज के ऊपर आप पे GST लगेगा। और कन्वीनियंस की एक और बात है कि कई लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो कहते हैं हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो, ये लिस्ट देश में बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो ये जरूरी है कि हम एक ऐसा फंड लेके आए जिसके लिए उन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाने की मजबूरी ना हो। ये फंड ऐसा हो जो ज्यादा एक्सेसिबल हो, और ETFs से ज्यादा एक्सेसिबल आज नॉर्मल इंडेक्स फंड्स हैं। आप किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाके उसे खरीद लीजिए। तो एक्सेसिबिलिटी की बात थी, वहां इंडेक्स फंड को एडवांटेज था। एक एडवांटेज और था, हालांकि ETFs में अब लिक्विडिटी ठीक ठाक होने लगी है, लेकिन कभी अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई तो, और आपको उस समय बेचना है तो, इंडेक्स फंड में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालो, एक दो दिन में पैसा आपके खाते में। AMC मना नहीं कर सकती कि हम तो नहीं देंगे पैसा, लेकिन ETF में अगर उस समय कभी गलती से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई तो, उस समय कोई बायर आपको नहीं मिला तो 0.1% भी लिक्विडिटी रिस्क हम क्यों लें? तो ये तीन कारणों से डिसाइड हुआ कि ETF नहीं, इस बार भी होगा इंडेक्स फंड। और कौन सा इंडेक्स फंड? सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। अब जब ये डिसाइड हो गया था कि हमें सेंसेक्स की तरफ जाना है, एक आखिरी सवाल और था हमारी टीम के पास कि हम इंडेक्स को जैसा जैसा है वैसा 100% उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करने वाला फंड लें, या हम फिर एक इक्विवेटेड इंडेक्स फंड ले लें। अब एक इक्विवेटेड इंडेक्स फंड क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। तो अगर हम सेंसेक्स का कंपोजिशन देखें तो उसमें अगर 100 रुपए आपको सेंसेक्स में आज डालते हो तो उसमें ये सेंसेक्स का चार्ट अब आपको दिख रहा है। TCS का वेटेज इतना परसेंट है, रिलायंस का वेटेज इतना परसेंट है, तो अलग अलग वेटेज में आपके 100 रुपए लगेंगे जितना रिप्रेजेंटेशन उनका इंडेक्स में है। यानी अगर आप आज 100 रुपए इस सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपके 20 रुपए कंपनी ए में लग सकते हैं, 15 रुपए दूसरी कंपनी में, 10 रुपए किसी तीसरी कंपनी में, 5 रुपए किसी चौथी कंपनी में। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अमाउंट लगेगा। यानी ऐसे में अगर हम TCS या रिलायंस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो 30 में से 2 ही स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है तो आपके पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। तो उन 2-3 बड़ी कंपनियों पर डिपेंडेंस ज्यादा है वर्सेस एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड जो वही कंपनियां लेगा जो सेंसेक्स में है। 30 कंपनियां है, वही 30 कंपनियां लेगा लेकिन सब में बराबर पैसा डाल देगा। सेंसेक्स में क्या वेटेज है इससे उसको मतलब नहीं, वो तो सारी 30 कंपनियों में 3.33% पैसा डाल देगा। आपका 3.30 रुपए 100 रुपए में से सारी की सारी 30 कंपनियों में लग जाएगा, जिससे कोई एक या दो कंपनी अगर खराब करती है तो आपका पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले केस में अगर टॉप वाली कंपनियां खराब परफॉर्म करती हैं तो आपका फंड भी खराब करेगा, अगर वो अच्छा करती हैं तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बढ़ेंगे। इस केस में हर कंपनी पे डिपेंडेंस बराबर है। तो ये दोनों में से कौन सा अप्रोच लेना चाहिए? फिर आंसर इसका ये आया कि ये जो रीबैलेंसिंग है
इसके नाम पे इक्विवेटेड फंड का एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं ये जो इक्विवेटेड है इनके एक्सपेंस रेशो ज्यादा थे। और एक्सपेंस रेशो क्यों ज्यादा थे, काम तो ज्यादा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंडेक्स फंड को फिर भी वेटेज फॉलो करना है, इनको तो क्या है बस नाम देखना है और बराबर पैसा सब में डाल देना है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो जस्टिफाइड नहीं था। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता इंडेक्स में से तो हर 3 महीने में तो वैसे ही उसने इंडेक्स से बाहर हो जाना है या उसका वेटेज कम हो जाना है, तो यानी हर 3 महीने में इंडेक्सेस या स्टॉक एक्सचेंजेस अपने आप इन पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं, इंडेक्स को रीबैलेंस कर रहे हैं, रीकैलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो जब हर 3 महीने में रिविजन हो ही रहा है वेटेज का और अंडर परफॉर्मेंस को बाहर किया जा रहा है, तो फिर हम इक्विवेटेड क्यों जाएं? अंडर परफॉर्मर्स को जब एक्सचेंज बाहर कर ही रहा है हर 3 महीने में, तो फिर हम ओवर स्मार्ट क्यों बने? तो इन 2 कारणों से, हायर फीस से और क्योंकि एक्सचेंज रेगुलर रीबैलेंसिंग करता है, इसलिए वी डिसाइडेड कि इक्विवेटेड इंडेक्स फंड नहीं चाहिए हमें, तो जो बिल्कुल इंडेक्स के वेटेज को ट्रैक करे वो फंड चाहिए। अब जब हम इस तक पहुंच गए थे कि हमको सेंसेक्स ही चाहिए और हमको इक्विवेटेड नहीं चाहिए, हमको एकदम मिरर करने वाला फंड चाहिए, हमको पैसिव फंड ही चाहिए, तो हमारे पास 2 या 3 मेजर ऑप्शंस बच गए थे। अब इसमें ये जरूरी था कि हालांकि एक्सपेंस रेशियो बहुत बहुत थोड़ा सा, जो हम फंड रिकमेंड करने जा रहे हैं बहुत हल्का सा, उसका ज्यादा है, लेकिन ये जरूरी था कि क्या एएमसी पे हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो एएमसी की रेप्यूटेशन कैसी है, नॉट जस्ट दिस, वो एएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या हर कोई, आप चाहे बैंक से लेना चाहे, एजेंट से लेना चाहे, ऑनलाइन लेना चाहे, ऑफलाइन लेना चाहे, कैसे भी लेना चाहे, क्या कोई ये तो नहीं बोल देगा कि ये फंड के साथ हम काम नहीं करते, कोई और फंड ले लो, या फिर वो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि सबको मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी में एवरेज है, सबसे चीपेस्ट नहीं है, और फंड हाउस वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फंड हाउस हो तो उस पर हम ट्रस्ट कर सके। और इसलिए फिर से इस साल का हमारा रिकमेंडेशन है HDFC का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। ये पिछले 2 सालों से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं और इस साल भी ये फंड है अनचेंज्ड। एक इसमें फैक्टर और गया फंड के फेवर में, इसकी अगर 2 फंड हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों हमको बहुत ज्यादा पसंद है, एक को मैं 99.9 मार्क्स दूं और एक को मैं 99.8 मार्क्स दूं, तो I'll be honest and transparent around this कि शायद we'll choose the fund जिसको हमने 99.8 marks दिए थे, वो थोड़ा सा minor सा 0.1% पीछे था दूसरे fund से, we'll still go with 99.8 वाला अगर हमने पिछले साल भी वही fund recommend किया था। तो लोगों को जो ऑलरेडी पिछले साल के videos देखते आ रहे हैं उनको एकदम minor change के कारण inconvenience ना हो ये ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर तो HDFC के सेंसेक्स प्लान की तरफ गया कि वी वांटेड टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, इसमें हमने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए हो या अच्छे ऑप्शंस निग्लेक्ट कर दिए हो ऐसा हमने नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंसी एज अ फैक्टर हैड थोड़ी सी वैल्यू, ये बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस बार हमने कौन से फंड्स चूज किए हैं इस कैटेगरी में, चलिए समझते हैं। अब आज क्योंकि 3 कैटेगरीज सवालों के घेरे में थी, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, खास करके मल्टी और फ्लेक्सी में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हमें पहले ये डिसाइड करना था कि इन 3 कैटेगरीज में से क्या हम 3 में एक फंड रिकमेंड करने वाले या फिर हमारे कोई फेवरेट्स हैं या लॉजिकली कोई कैटेगरी किसी दूसरी कैटेगरी से बेटर है। तो पहले वी कंपेयर्ड फ्लेक्सी कैप वर्सेज मल्टी कैप। अब थ्योरेटिकली फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर कैटेगरी, इसका लॉजिक क्या है? फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो जिस क्लास में चाहे उस क्लास की कंपनियों को उठाए, यानी वो चाहे तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाले, वो चाहे तो ज्यादातर पैसा मिड कैप में डाले, चाहे तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाले, यानी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट को दिखा सकता है। अब ये बहुत अच्छी बात है अगर फंड मैनेजर अच्छा है, और बुरी बात है अगर फंड मैनेजर बुरा है, लेकिन अगर फंड मैनेजर बुरा है तो वो तो मल्टी कैप में भी बुरा कर सकता है, वो लार्ज एंड मिड कैप में भी बुरा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि अच्छे फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म करने का स्कोप कौन सी कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि बुरा फंड मैनेजर तो हर कैटेगरी में रायता ही फैलाएगा, अच्छा फंड मैनेजर आउटशाइन किस कैटेगरी में कर सकता है? क्योंकि जब हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्टिव फंड्स में जा इसलिए रहे हैं कि वी बिलीव कि इंडिया में आज भी मार्केट्स में इतनी मिसप्राइसिंग और मिस इंफॉर्मेशन है कि एक फंड मैनेजर अगर वो अच्छा है तो वो उस प्राइस गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करके फंड को अच्छा रिटर्न लाके दे सकता है, और ये विश्वास लार्ज कैप कैटेगरी में हमें नहीं है। साइंटिफिकली हमने पिछले वीडियो में बताया क्यों। इस कैटेगरी में
है. वी ट्रस्ट कि अभी भी इंडिया में अच्छे फंड मैनेजर्स इन दिस कैटेगरी मार्केट को आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. तो उस आउटपरफॉर्मेंस का स्कोप सबसे ज्यादा कहां है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में. इसलिए भी डिसाइडेड कि एक फंड तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होगा. और इसके बाद बारी आई मल्टी कैप वर्सेस लार्ज एंड मिड कैप. अब इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? मल्टी कैप का मतलब है, सेबी ये कहता है कि उस स्कीम में, मल्टी कैप स्कीम में 25% पैसा, 100 रुपए में से 25 रुपए लगेगा लार्ज कैप कंपनियों में, 25 रुपए लगेगा मिड कैप कंपनियों में और 25 रुपए लगेगा स्मॉल कैप में. बाकी 25 वहां फंड मैनेजर को जो करना है करे, वो चाहे तो कैश रखे, वो चाहे तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में जहां उसको एलोकेट करना है वो करे, यानी फ्रीडम वो 25% की है. वहीं लार्ज एंड मिड कैप में कैसा है? इसमें लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ जाता है, यानी फंड मैनेजर को कम से कम 100 रुपए में से 35 रुपीज लार्ज कैप में डालने हैं, कम से कम 35 रुपीज मिड कैप में डालने हैं और बाकी 30 वो चाहे तो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में डाले या चाहे तो स्मॉल कैप में डाले. यानी इस वाली कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप में, थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है क्योंकि लार्ज कैप में कम से कम 35% का एलोकेशन तो होना ही है. तो जब मैं इन दोनों कैटेगरी को कंपेयर करता हूं और साथ में फ्लेक्सी कैप को भी कंपेयर करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मल्टी कैप कैटेगरी है ना, ये कहीं फंस गई है. क्योंकि अगर मुझे रिस्क थोड़ा एवर्स रहना है, रिस्क से बचना है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बेटर है. इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन भी नहीं है और लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा है. और अगर मुझे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि तुझे जो करना है वो कर, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेटर है. तो मल्टी कैप का एग्जिस्टेंस मुझे अभी बहुत रिलेवेंट नहीं लग रहा, इसलिए इस साल कोई भी मल्टी कैप फंड लिस्ट में नहीं है. और जब हमने कंपेयर भी किए तो ये पाया लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप को कि शायद बहुत थोड़े से मार्जिन से मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स कई बार ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसमें. जैसा मैंने आपको बताया, लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप को एलोकेशन ज्यादा है, मिड कैप को भी एलोकेशन ज्यादा है, 70% पैसा तो यहीं लग गया. लेकिन मल्टी कैप में मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में लगता है, शायद बाकी 25% भी लग जाए. तो मल्टी कैप कैटेगरी में ना शायद 50% तक पैसा स्मॉल कैप में लग सकता है. तो रिस्क ज्यादा है और इस रिस्क को लेके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न ये फंड्स कई बार लेके आते हैं. लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूं, यानी कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया एक्स्ट्रा रिटर्न लाने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स मल्टी कैप कैटेगरी लेके आई ना, ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगा. और हमेशा फिनोलॉजी में हमें पहले सेफ्टी चाहिए, बाद में रिटर्न्स चाहिए. पहले तो मैंने जो पैसा लगाया उसको सेफ रखो, फिर बढ़ाओ 2 रुपए कम भी तो चलेगा. तो इस अप्रोच से जाते हुए हमने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड इस साल लिया है और एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लेक्सी कैप में वो फंड कौन सा है. अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जब हम एनालाइज किए तो 80 फंड्स थे, 80 फंड्स अवेलेबल थे, जिसमें से कुछ ही फंड्स अपने बेंचमार्क को, जो निफ्टी 500 है, उसको बीट कर सके. अब ये कैटेगरी 3 साल पुरानी है तो हमने 3 साल का परफॉर्मेंस बेंचमार्क लिया. अब इसमें जो इंडेक्स है उसने 20% पर ईयर का रिटर्न दिया है, 20% CAGR को. ये इंडेक्स को ही बीट 80 में से सिर्फ 24 फंड्स कर पाए, यानी 70% से ज्यादा फंड्स तो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए. और इसके बाद जो 24 फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया वो हमेशा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है ना. अब ये जो 24 फंड्स है ना, इन्होंने रिटर्न तो ले आया, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है तो हमें एक चीज ये भी देखनी थी कि ये रिटर्न कैसे आया, क्या बहुत ज्यादा रिस्क लेके आया. क्योंकि इंडेक्स है निफ्टी 500, उसमें 500 बड़ी कंपनी आए, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर 1000वीं स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके रिटर्न ला रहा हो. तो ऐसे रिटर्न से हमें डर लगता है. ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कोई भी ला सकता है. सेम या लोअर लेवल ऑफ रिस्क लो और फिर ज्यादा रिटर्न ला के दिखाओ ना. तो जब इस पैरामीटर में हमने चेक किया, शार्प रेशो कैसा था, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा था, बीटा कैसा था, तरह तरह के मैट्रिक्स यूज हुए, तो समझ में आया कि इन 24 फंड्स में से सिर्फ 9 फंड्स ऐसे हैं जो बराबर या कम रिस्क लेके, इंडेक्स के बराबर या कम रिस्क लेके उससे ज्यादा रिटर्न लेके आ रहे हैं. बाकी फंड्स ज्यादा रिटर्न लाने के लिए, ये कैटेगरी ऐसी है ना, क्रिएटिव लोग कुछ भी करेंगे, थोड़ी सी डेंजरस कैटेगरी है, ज्यादा फ्रीडम भी डेंजरस होती है. तो यहां फंड मैनेजर का रोल बहुत जरूरी है. तो यानी कि हमें ये देखना था कि जिस साल वो नहीं करेंगे इंडेक्स को बीट, उस साल क्या कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्या कुछ साल वो बीट करेंगे इस चांस के बेसिस पे, इस होप के बेसिस पे. कई फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं क्योंकि वो उस साल अपनी फीस कम नहीं करेंगे जिस साल वो इंडेक्स को बीट नहीं करेंगे. तो मुझे परफॉर्मेंस टू फीस रेशो भी देखना है. तो हमने एक पैरामीटर सेट किया कि हम उन्हीं फ्लेक्सी कैप फंड्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी फीस यानी टोटल एक्सपेंस रेशो 0.75% से कम है डायरेक्ट प्लान्स के लिए. इसके बाद
फीस की बात आती है। तो जब ये मैट्रिक भी आ गया तो केवल 9 में से 4 फंड्स बचे जिनमें से हमें चूज करना था। ये चारों फंड्स अब आपके स्क्रीन पर हैं। ये क्यों आपके स्क्रीन पर हैं? क्योंकि ये चारों फंड्स डिसेंट चॉइसेस हैं, अच्छी चॉइसेस हैं, 80 में से ये 4। उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़े, फंड की हिस्ट्री, एएमसी की हिस्ट्री, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और हमारी हिस्ट्री भी। तो फिर से पिछले 6 सालों की तरह इस साल भी कैटेगरी विनर आया पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि एएमसी की रेप्यूटेशन, इन्होंने अपने नाम को मिंट करने के लिए सिर्फ स्कीम्स लाते जाओ, एक्सपेंस रेशियो कमाते जाओ, ऐसा नहीं किया। आज भी इनके फंड्स लिमिटेड हैं, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी है, फंड मैनेजमेंट टीम में स्टेबिलिटी है, और तीसरा, लाखों इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन वीडियोस को, इस लिस्ट को पिछले 6 सालों में देख इन फंड्स को सिलेक्ट किया होगा। तो जब इस फंड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो उनके पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग हो जाए, वो घबरा जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी कंसिस्टेंसी वी शुड ऑल्सो मेंटेन इफ वी आर आंसरेबल टू आर व्यूअर्स। तो ये सारे कारणों से इस कैटेगरी में फिर से इस साल का विनर, 7वीं बार लगातार जो इस लिस्ट में हमेशा से है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब अगली कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब इसमें भी प्रोसेस वही था। स्टेप नंबर 1, इस कैटेगरी में 30 फंड्स थे, कितनों ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, उसी में ना 80% से ज्यादा फंड्स बाहर हो गए। 30 में से सिर्फ 5 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया। स्टेप नंबर 2, किसने लोअर या सेम लेवल ऑफ रिस्क लेके बीट किया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, एक फंड और एलिमिनेट हो गया, 4 फंड बचे। फिर आया एक्सपेंस रेशियो, किस फंड का एक्सपेंस रेशियो इज रीजनेबल, 4 में से 3 फंड बचे। ये तीनों ही फंड अब आपके स्क्रीन पर है, तीनों अच्छी चॉइसेस हैं, 30 में से 3 को चूज किया गया है, आपके स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंटली है। तो इस साल का विनर भी है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वी आर स्टिकिंग विद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टैक्स सेवर या ELSS फंड। अब इन फंड्स की ऐसे देखे ना तो कुछ इंपॉर्टेंस कम हुई है न्यू टैक्स रिजीम के बाद, जिसमें कि जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है उनको 80C डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी वो लोग अगर ELSS या टैक्स सेवर फंड, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर भी लें तो उनको उसके टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है तो उसके लिए अगर टैक्स के नजरिए से देखो तो कोई खास फायदे की बात नहीं है। या वो लोग जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, PF के थ्रू या और किसी जरिए के थ्रू 80C डिडक्शन को यूज कर लिया है, अगर वो पुराने टैक्स रिजीम में है तो भी के लिए ये म्यूचुअल फंड्स ज्यादा काम के नहीं है। तो मैं क्यों बना रहा हूं आज ये वीडियो, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड्स सिर्फ टैक्स सेविंग के नजरिए से इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो ये म्यूचुअल फंड ही ना, लगाते तो ये भी पैसा शेयर्स में ही है, जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, उस तरह के ये भी फंड्स हैं। लेकिन इसके साथ ना जो इसका डिसएडवांटेज बोला जाता है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट इसमें 3 साल का लॉक इन है, जो पैसा आपने डाल दिया वो आप 3 साल तक निकाल नहीं पाओगे, ऐसा दिखता है कि लिक्विडिटी के मामले में डिसएडवांटेज है। लेकिन मेरी नजर में ना जो यंग इन्वेस्टर है, जो डिसिप्लिन से जूझता है, जिसको प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टेड रहने में, मार्केट वोलेटिलिटी में पैसा निकालने का मन करता है, उनके लिए ये फंड्स बहुत अच्छे हैं, ये फोर्स्ड डिसिप्लिन लेके आते हैं। तो एक बार आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि आप सिर्फ वो पैसा डाल रहे हो जिसकी अगले 3 साल आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, उस पैसे के लिए ये फंड बहुत अच्छा कैटेगरी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मार्केट ऊपर से नीचे हो, पैनिक करके हम इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं, ये फंड में ये इनडिसिप्लिन आप नहीं कर पाओगे। तो डिसिप्लिन के लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। इनका नाम है टैक्स सेवर, लेकिन बाकी टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न्स कम होते हैं। इन फंड्स में ये शायद एक ऐसा टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टैक्स भी बचता है अगर आप ओल्ड रिजीम में हो, 80C डिडक्शन लेना चाहते हो, लेकिन रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, और इसीलिए ये नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स के मामले में भी कंपेरेबल है। इसलिए ये फंड्स ना मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, तो फ्लेक्सी कैप के साथ अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स आ जाए ना तो ये अल्टीमेट इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए जो डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करते हैं। इसलिए ये कैटेगरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलो अब अपन आते हैं कि हमने इन फंड्स में से बेस्ट फंड को कैसे चुना, कैसे फंड्स को एलिमिनेट किया। तो अब इस कैटेगरी में ना इंडिया में 39 फंड्स अवेलेबल हैं। अब हमने कंपेयर किए पिछले 3 साल के रिटर्न्स इसके इंडेक्स से, जो कि निफ्टी 500 है, और इससे जब हमने कंपेयर किया, क्योंकि इस इंडेक्स ने ही 19.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो सिर्फ 50% फंड्स ही
इस रिटर्न को बीट कर पाए, यानी 39 में से 19 फंड्स एलिमिनेट हो गए और 20 फंड बचे। अब यहां एक सवाल आ सकता है कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम जब फंड्स एलिमिनेट करते हैं ना, तो हम सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न्स के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। ऑल वी वॉन्ट इज कि आप एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस ले आओ। यहां बेस्ट परफॉर्मर को किसी ने कैटेगरी का रिटर्न 19.5 है, हमने 25% अगर कोई रिटर्न ले आया तो वो फंड आपको ला के नहीं बोल दिया कि ये बेस्ट फंड है इसको ले लो। ऑल वी वॉन्ट कि हमारे फंड्स एटलीस्ट एवरेज या अबव एवरेज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दें, उसको एब्सोल्यूट हीरो होना जरूरी नहीं है। तो रिटर्न्स के बेसिस पे हम फंड सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम सेकंड फिल्टर पे आते हैं और जिसको मिला के ना ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाता है। पहला फिल्टर तो ये था कि इंडेक्स को, एवरेज रिटर्न को, उसको बीट करे या उसको मैच करे। सेकंड ये था कि वो मैच या बीट करे लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क ना ले। और इसके लिए जब हमने रिस्क टेस्ट रन किए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो या उसका बीटा चेक करना हो, तो फिर से बहुत सारे ऐसे फंड्स थे जो इस फिल्टर के कारण बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स तो जनरेट किए लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल फैशन में। और इतनी वॉलेटिलिटी दिल के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम यहां नहीं रुके, फिर हमने देखा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, क्योंकि रिटर्न तो कोई भी ला सकता है। उसके लिए पर यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कितना यूनिट ऑफ रिस्क लिया गया, तो ये हमने चेक किया शार्प रेशो और सॉर्टिनो रेशो के जरिए। तो इन दो तरह के फिल्टर्स के बाद 20 में से सिर्फ 8 फंड रह गए। इसके बाद हम चाहते थे कि हमारे फंड्स, ये 8 फंड्स जो कि कैटेगरीज के एवरेज से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैटेगरी के एवरेज से कम रिस्क लेते हैं, इनमें हमको ऐसे फंड भी मिल जाए जो कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशो भी चार्ज करते हैं। तो जब ये फिल्टर आया तो इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो था 0.89% डायरेक्ट प्लान्स के लिए। हमें ऐसे फंड चाहिए थे इन 8 में से जो इससे कम एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं। और इस फिल्टर को लगाने के बाद 8 में से 4 फंड्स एलिमिनेट हो गए और बचे सिर्फ 4 फंड्स जो अब आपके स्क्रीन पर हैं। अब यहां सवाल यह उठ सकता है कि हमको एक्सपेंस रेशो से मतलब नहीं है, रिटर्न अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो एक्सपेंस रेशो जस्टिफाइड है। बिल्कुल, अगर रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो एक्सपेंस रेशो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर यह सब सही सही हुआ तो जस्टिफाइड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि जो फंड ने पास्ट में अच्छा किया है वो आगे भी अच्छा करेगा, और वो अच्छा करे या ना करे वो बुरे समय में भी हाई एक्सपेंस रेशो या हाई फीस चार्ज करेगा। तो ऐसे में जब एक फंड ऐसा है जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, वो रिस्क कम लेता है लेकिन एक्सपेंस रेशो भी कंट्रोल्ड है, तो बुरे समय में परफॉर्मेंस तो चलो सब फंड का गिरता है लेकिन कम से कम आप पे जो एडिशनल फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो कम रहेगी और आपके लॉसेस कुछ हद तक कम हो जाएंगे। इसलिए एक्सपेंस रेशो की इंपॉर्टेंस तो है, वरना 50 लाख में अच्छी गाड़ी तो कोई भी दे सकता है ना। हमें कई बार वो ढूंढना होता है कि कौन 10-15 लाख में गाड़ी बेच रहा है और 50 लाख वाली सेफ्टी दे रहा है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना। ज्यादा पैसे लेके तो कोई भी अच्छी चीज दे सकता है, लेकिन वाजिब हम सब वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशो हमें बताता है कि इस फंड में कितनी वैल्यू है, और इसीलिए ये फिल्टर लगाना जरूरी हो जाता है। तो ये 4 फंड अब आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें से बहुत ऑब्वियस हो जाता है हमारे लिए फेवरेट पिक करना, और वो हो जाता है पराग पारेख का ELSS फंड, क्योंकि इसमें एक खास बात है। ये फंड ना 17% एलोकेशन इसने डेट में रखा था, सेफ डेट बॉन्ड डिबेंचर्स में इसने रखा था, यानी ये फंड बहुत सेफ्टी की तरफ जा रहा था, और इतना सेफ रहने के बावजूद इसने रिटर्न्स इतने अच्छे जनरेट किए कि ये टॉप 4 में आ गया। तो इससे इनकी क्वालिटी ऑफ पिकिंग, स्टॉक पिकिंग समझ में आती है, पेडिग्री समझ में आती है कि कितनी अच्छी रिसर्च ये फंड हाउस लगातार कर रहा है। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उससे ओवरलैप आ रहा है, क्योंकि उसमें भी जो 2 फंड हमने रिकमेंड किए थे उसमें से एक फंड था पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। और एक प्रॉब्लम है इस फंड में, पराग पारेख टैक्स सेवर में और फ्लेक्सी कैप में 62% के आसपास का ओवरलैप है, यानी 62% स्टॉक्स दोनों फंड में बिल्कुल सेम है। तो अगर आप दोनों फंड ले लेते हो तो ये होगा कि फंड कहने को 2 हैं लेकिन 62% स्टॉक्स उनमें सेम है। इसलिए ये दोनों फंड को लेना शायद बहुत अच्छी चॉइस ना है। इसलिए अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आप डिसिप्लिन से स्ट्रगल करते हो, आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं हो, या आपको टैक्स बेनिफिट्स उठाने, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, तब आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को स्किप कर सकते हैं और पराग पारेख टैक्स सेवर में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा चॉइस हो जाएगा। लेकिन
क्योंकि हम 5-6 सालों से पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बोलते आ रहे हैं, तो आपका हो सकता है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाए, 2 साल तक उसमें एग्जिट लोड भी लगता है, आप रिडीम ना करना चाहें और आप उस फंड की फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करना चाहते हैं, आप श्योर नहीं हो कि आप 3 साल के लॉक इन का पैसा रख सकते हो, आपको 1-2 साल बाद पैसों की जरूरत इमरजेंसी में पड़ भी सकती है, तो आपको नॉन ईएलएसएस फंड में ही रहना है, तो उस केस में आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करो और आपको एक सेकेंड टैक्स सेवर ऑप्शन अब हम देते हैं। तो द सेकंड ऑप्शन, और यहां पे ना एक बहुत क्लोज टाई हो गया था बिटवीन मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड और कोटक टैक्स सेवर फंड, और ये दोनों फंड बहुत क्लोजली कंपेरेबल हैं, तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस हमारा एक की तरफ नहीं था, बहुत ही दोनों अच्छे से फंड है। वी वेंट विथ मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, ये फंड लास्ट ईयर भी हमारी लिस्ट में था और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि वाई शुड वी रिजेक्ट मिराय एसेट एंड चूज कोटक। आज भी अगर पिछले साल ये फंड लिस्ट में नहीं होता और आज हम पहली बार इन दो फंड्स को कंपेयर कर रहे होते, तब भी हम बड़े 50-50 पोजीशन में होते कि दोनों में से कौन से फंड को चुने, लेकिन क्योंकि हमने पिछले साल मिराय एसेट टैक्स सेवर को चुना था, तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बिना कारण हम उनसे शफलिंग ना करवाएं, कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसलिए अगेन वी आर गोइंग विद मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। ये दोनों ही फंड जो आज हमने बताए वो पिछले साल की लिस्ट में भी थे, तो इस साल के टैक्स सेवर फंड्स में है, नो चेंज, और हम हमारे पिक्स के साथ कॉन्फिडेंटली स्टैंड करते हैं। पिछले 1 साल में स्मॉल कैप्स में जबरदस्त रैली आई है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स बाकी कैटेगरी के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा है, और कई फंड हाउसेस में ये प्रॉब्लम फेस होने लगी है कि इतने तेजी से वो जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसको वो सच में सही जगह प्रोडक्टिव यूज में जहां से अच्छे रिटर्न्स आए वहां कैसे लगाए, छोटी कंपनियां ये स्मॉल कैप है, बहुत लिक्विडिटी नहीं होता, फ्री फ्लोट नहीं होता, कहां से वो इतने नए नए आइडियाज जनरेट करें या इतनी लिक्विडिटी लाए कि जो स्टॉक वो खरीदना चाहते हैं उसको खरीद पाए सही दाम में, क्योंकि स्मॉल कैप्स में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा लगा और प्राइस आसमान छूने लगता है, वैल्यू चली जाती है, जिसके कारण आई हाईली रिस्पेक्ट 3 AMCs का एक्शन, टाटा, निपॉन, SBI, जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद किए अपने स्मॉल कैप फंड्स में, सेइंग कि अभी वैल्यू नहीं है और मार्केट्स आर एट अ हाई, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स वाला, तो अपनी कमाई को रोक देना लोगों के बेनिफिट के लिए, अपनी रेप्यूटेशन के लिए इज अ थिंग दैट आई ग्रेटली रिस्पेक्ट इन 3 AMCs के लिए, मेरी नजर में इनके लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई, निपॉन, SBI, टाटा, हैट्स ऑफ, गुड जॉब, बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कैटेगरी ने दिए हैं, हमने जो पिछले 2 सालों से फंड बताया है उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर आज आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो स्मॉल कैप्स में, तो वी आर ऑफ द ओपिनियन, अब ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है या मैं कोई ज्योतिष बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यूएशन इज एट अ प्रीमियम, तो जब चीज कोई महंगी होती है तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साल गिर ही जाएगा या मैंने बोला है तो हो ही जाएगा, मैं पहले भी बहुत बार गलत रहा हूं, लेकिन अभी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता है स्मॉल कैप्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप SIP कर रहे हो, पिछले 1-2 सालों से कर रहे हो, कंटिन्यू विथ योर SIP इन द फंड दैट वी रिकमेंडेड लास्ट ईयर, अगर आप उसमें कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है, बड़ा फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट या न्यू SIPs शुरू ना हो, इसलिए इस साल वी आर नॉट रिकमेंडिंग अ न्यू स्मॉल कैप फंड इस लेवल्स पे। आई एम नॉट कंफर्टेबल कि लोग स्मॉल कैप्स में पैसा लगाना शुरू करें, जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं उन्होंने काफी पैसा कमाया भी है, तो थोड़ा अगर करेक्शन आता भी है, मार्केट गिरता भी है, तो उनकी होल्डिंग्स एवरेज हो जाएंगी, वो स्टिल प्रॉफिटेबल रहेंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस लेवल पे देखो, मार्केट यहां से भी बहुत आगे बढ़ सकता है, 1 साल बाद आई कैन लुक लाइक अ फूल कि इसने बोला था तब मत खरीदो और मार्केट बहुत बढ़ गया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉजिक मुझे ये करने से अभी मना करता है, इसलिए इस साल वी आर नॉट डूइंग इट। इंस्टेड स्मॉल कैप यानी आप हाई रिटर्न्स चेस कर रहे हो, आप लार्ज कैप मिड कैप से डाइवर्सिफाई होना चाहते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कंट्री का मार्केट अगर कुछ गलत परफॉर्म करता है उससे हेज करने के लिए भी, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके ग्रोथ, हाई ग्रोथ टारगेट करने के लिए भी, पिछले साल वी सजेस्टेड एन इंटरनेशनल फंड, इस साल वी वुड से उस फंड ने भी पिछले 1 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि वो वॉलेटाइल रहा है, तो इसलिए भी इसके सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं कि ये फंड बहुत तरीकों से एक स्मॉल कैप फंड जैसा एक्ट करता है, वॉलेटाइल होता है, रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एक स्मॉल कैप फंड वर्सेस अगर मैं इंटरनेशनल फंड लूं, तो ये मुझे कंट्री के मार्केट से हेज करता है और डिफरेंट मार्केट में एक्सपोजर देता है, डिफरेंट तरह की कंपनियों में एक्सपोजर देता है, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बढ़ता है और हेजिंग बढ़ती है, इसलिए इस साल इंटरनेशनल फंड रिमेन्स अ बेटर चॉइस, एंड इसमें भी वी आर स्टिकिंग
with our last year's choice. अब ये risky है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि if you're 50 year old, 60 year old, आपको दो साल में पैसा चाहिए तो क्योंकि recommend हुआ है तो डाल दिया जाए. ये small cap या उससे भी ज्यादा रिस्की है. तो इट्स रिस्की. प्राइसेस भी पिछले साल जितने अच्छे नहीं है. ये फंड भी काफी बढ़ गया है, तो इसके अंडरलाइंग स्टॉक्स भी काफी बढ़ गए. हाँ, बहुत बबल आ गया या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है. इसलिए इस साल भी वी आर कंफर्टेबल रिकमेंडिंग दिस फंड. ये फंड दो वराइटीज में आता है, ETF में भी आता है और फंड ऑफ फंड में भी आता है. अगर ऑलरेडी यू हैव अ डीमैट अकाउंट तो आप ETF वेरिएंट चाहें तो ले सकते हैं, या फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं, फिर तो ओपन है आपके लिए. और अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो उनके लिए फंड ऑफ फंड भी है. चार्जेस हम ऐसे नेकेड आई से आप देखोगे तो लगेगा ETF काफी सस्ता है. सारे चार्जेस जोड़ के अगर मैं दोनों का टोटल एक्सपेंस रेशियो जोड़ू तो काफी कंपेरेबल है, कोई खास फर्क नहीं है. तो कॉस्ट के हिसाब से मत जाना. सेकंड, एक लिक्विडिटी होता है कि जब आप ETF की लिक्विडिटी देखोगे तो आपको खुद सेलर ढूंढना पड़ेगा. फंड ऑफ फंड में ये जिम्मेदारी आप एक तरीके से AMC को हैंडओवर कर रहे हो, तो ये भी एक बेनिफिशियल फीचर है. तो आपकी चॉइस है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. फंड का नाम है मिराय एसेट फैंग प्लस ETF या मिराय एसेट फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड. ये दोनों वैरायटीज में आता है. चॉइस इज योर्स. रिस्की है, हर किसी के लिए नहीं है. कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देता है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो काफी वॉलेटाइल और रिस्की होता है. और टैक्सेशन भी इंटरनेशनल फंड्स का डेट फंड्स की तरह है, तो आपको वो जो इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट मिलते हैं वो इस फंड में नहीं मिलेंगे. तो टैक्स वाइज इट्स अ नेगेटिव, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे प्राइस में इन्वेस्ट किया जाए तो हायर रिटर्न्स कंपनसेट्स और कैन कंपनसेट, आई शुड से, फॉर हायर टैक्सेस. अब नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर लिस्ट, हमने चार वीडियो अभी तक बनाए हैं जिसमें लार्ज कैप फंड्स डिस्कस किए, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेवर, ELSS, हर तरह के फंड्स डिस्कस हुए और पूरी लिस्ट अब आ चुकी है. इस साल क्या हम कोई बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड डिस्कस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, एंड शुड यू बाय दैट कैटेगरी, या किन लोगों के लिए वो सूटेबल है? तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है. और उस वीडियो के बाद वी स्टार्ट डिस्कसिंग ये जो सारे फंड हमने बताए इस पे आपके डाउट्स क्या है. आपके कॉमेंट्स हमारी टीम लगातार पढ़ रही है और उन कॉमेंट्स को वील आंसर इन द वीडियो जो आएगा बैलेंस्ड फंड वाले म्यूचुअल फंड वीडियो के बाद. ये म्यूचुअल फंड सीरीज इस महीने जो चलने वाली है, इससे आई एम होपिंग कि हम कुछ वीडियोस के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.